बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बड़ी अपडेट आई हुई है कि सत्र 2023-25 के लिए जो इंटरमीडिएट में एडमिशन ली जा रही थी उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसमें निर्धारित तिथि थी 17/5/2023 से 26/5/2023 तक। अगर आप पोर्टल की बात करें तो आपको उस पोर्टल पर ले चलते हैं। तो देखिए, इस पोर्टल को सर्वर को जो टेम्प्रोरी अनअवेलेबल कर दिया गया है, तो इसमें आज आपको बताएंगे कि फिर से आपका आवेदन जो है कब से चालू किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एतद् द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर से की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अभिभूत डिग्री महाविद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम ऑफ स्टूडेंट OFSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटर स्तरीय शिक्षण स्थानों में ऑनलाइन नामांकन के लिए व्यक्ति की संख्या 114/2023 के द्वारा दिनांक 17/5/2023 से 26/5/2023 तक आवेदन की ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि निर्धारित की गई थी। और इसमें जो दिनांक नया जारी किया गया है, तो नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अगली तिथि दिनांक 1/6/2023 से 7/6/2023 तक निर्धारित की जाती है। इसमें आपको बता दें कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है 1 जून 2023 से 7 जून 2023 तक भरी जाएगी, जिसके लिए विद्यार्थियों को विज्ञप्ति के माध्यम से पूर्ण सूचित किया जाएगा। इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु बिहार बोर्ड के साथ साथ CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्डों के 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी निर्धारित समय अवधि से आवेदन दे सकते हैं। तो बिहार बोर्ड का जो होता है उसका आवेदन तो हो ही रहा था, लेकिन अब CBSE और ICSE एवं अन्य बोर्डों का भी जो 10वीं में पास हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को भारतीय ही अन्य बोर्डों के विद्यार्थियों को भी प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर नामांकन लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी सामान्य आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं सामान्य सूची पत्र कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।